Hi, will you marry me? Of course I will. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. वेल दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है विंटर इन कश्मीर के सीरीज में. एंड दिस इज़ वैशाली, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल. और आपको मैं टूर कराती हूँ कश्मीर का. तो हमारा पहला सीरीज का पड़ाव है गुलमर्ग, और हम श्रीनगर से गुलमर्ग की तरफ आ चुके हैं. और उसके पहले मैं आपको दिखा दूँ कि श्रीनगर में हम लोगों ने कहाँ होटल लिया था और कैसे स्टे किया था, और वहाँ से हम कैसे आए. हम लोग होटल हमजा में रुके हुए हैं. रूम को दिखाती हूँ, उसके पहले बता दूँ कि यहाँ पर आपको हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट का भी आपको थोड़ा सा झलक मिलेगी कश्मीर की. बात हमारी होटल का ये है कि ये डाल लेक के सामने है, घाट नंबर 9, और उसके सामने के रोड में आएंगे. हार्डली 2 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस है. ये है हमारा रूम विथ इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट. हाँ, बाथरूम विथ गीजर भी है. थोड़ा सा साधारण है, लेकिन आइडियली इस बजट में अच्छा है. ये है हमारा गार्डन होटल का. तो अभी हम श्रीनगर से निकल रहे हैं. सुबह के बजे हैं 7, और हमें 1.5 घंटा लगेगा, जैसे कि हमारे ड्राइवर भैया बता रहे हैं. तो गुलमर्ग के लिए हमारे सवारी चल पड़ी. तो चलते हैं, आगे चलते चलते बातें करते हैं. चुके हैं तनमर्ग, और तनमर्ग से और हमें 5 किलोमीटर ऊपर जाना है गुलमर्ग के लिए. नॉर्मली कोई भी रेंट कार आप लेते हैं तो वो तनमर्ग तक आपको छोड़ेगी, और फिर तनमर्ग से, मतलब आपकी कार यहीं पर रहेगी आपके लिए, लेकिन उसे आगे जाने का अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ के यूनियन का वो हिसाब किताब होता है. तो यूनियन की गाड़ी फिर यहाँ से आपको गुलमर्ग तक ले जाएगी. यहाँ पे शेयरिंग भी होता है और आप पूरी गाड़ी भी बुक कर सकते हैं. तो लेट्स सी क्या रेट होता है यहाँ पर. और यहाँ पे भी आपको होटल मिल जाएंगी, तो आप यहाँ पे भी रुक सकते हैं, और फिर आपको अगर ऊपर की तरफ घूमने जाना है तो वो भी किया जा सकता है. तो अभी मैं पूछती हूँ कि यहाँ पे क्या हिसाब किताब है. तनमर्ग से आपको गुलमर्ग जाने के लिए अलग से यूनियन टैक्सी जो लेते हैं हम, वो 2000 रुपीज़ लेगी. हम आए हैं 2000 रुपीज़ में आपको श्रीनगर से लेकर के तनमर्ग तक टू एंड फ्रो, और फिर तनमर्ग से लेकर के आपको गुलमर्ग तक जाना है तो टू एंड फ्रो 2000 रुपीज़ लेते हैं. तो मतलब आज हमें लेकर के जाएगी, तो कल हमें लौटना है, तो वो उसी कार में हमें लेकर के आएंगे. और आप ऐसे शेयरिंग में भी जा सकते, तो शेयरिंग में बोलते हैं कि 100-200 रुपीज़ लेते हैं और आपको ऊपर तक पहुँचाते हैं, और यहाँ पार्किंग में आपकी गाड़ी रुक जाती है और यहाँ से दूसरी गाड़ी लेकर के जाती है. और ये एग्जैक्टली जेके टूरिज्म का एक बंगलो है, उसी के सामने आपको पार्क करनी है. क्योंकि आप बर्फीले इलाके में जा रहे हैं, आपके पास जैकेट नहीं है बर्फीले, और आप नॉर्मल कपड़े लेकर के आएँ, तो आप यहाँ से भी बोरो कर सकते हैं. क्या रेट होता है? तो दोस्तों, यहाँ पर आप एक पूरा पैकेज ले सकते हैं, 300 रुपीज़ में देते हैं. आपको जैकेट मिलेगा, रेनकोट मिलेगा और शूज़ मिलेगा. तो अगर आप नहीं लाएँ तो आप यहाँ से ले सकते हैं. अब हम सनमर्ग से गुलमर्ग की ओर जा रहे हैं. ये करीब 5 किलोमीटर का रास्ता है. 14 किलोमीटर का रास्ता है. गुलमर्ग, और यहाँ पे अंदर आने के लिए यहाँ के जो डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है उनको 50 रुपये हमने देने होते हैं, जिसकी रिसिप्ट भी देते हैं वो लोग. और आप अगर नाइट स्टे करते उसके लिए होता है, ताकि आपकी कार अंदर आ सके. और अगर आप बस वन डे के लिए आ रहे हैं तो आप घूम करके लौट सकते हैं, उसकी कोई फीस नहीं है. यहाँ पर हमारा बंगलो है, ये जेके टूरिज्म का बंगलो है, जो कि हमने 2100 रुपीज़ प्लस GST पकड़ करके 2300 एंड समथिंग हुआ है, और हम वहीं पर रुकेंगे. चलती हूँ अंदर जाके बताती हूँ. और यहाँ पे देखिए एक्साइटमेंट है भाई, पूरा बर्फ है चारों ओर. अभी थोड़ी देर पहले धूप थी, धूप चली गई है, और मैं थोड़ी केयरफुल रह रही हूँ वरना क्योंकि मेरा शूज़ थोड़ा फिसल रहा है. ऑल्दो मेरे शूज़ भी स्नो शूज़ हैं. तो ये है हमारा
जेके टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का हट। चलिए आपको टूर कराती हूँ, थोड़ा धीरे चल रही हूँ क्योंकि कभी भी गिर सकते हैं भाई। लाइट भी आपको डिस्को करा रही है। ये हमारा रूम है जिसके अंदर ओके एसी भी है क्या और टीवी है, ब्लोअर है और बेड है और व्यू भी है जिसको बंद किया हुआ है अभी फिलहाल। सो दिस इज आवर कबर्ड। और विंटर के चैलेंजेस और भी हैं जिनमें से एक है, जैसे यहाँ पे तो ड्रम दिखाई दे रहे हैं आपको, पानी हमारा गर्म उसमें हो रहा है और हमें गर्म पानी उसी में से मिलेगा, इसमें से नहीं मिलेगा क्योंकि पूरी लाइन चौकअप है तो फ्लश भी नहीं चलेगा। इसलिए बाल्टी में पानी भरिए और अपना काम चलाइए। वेल, आपको अगर ये रूम बुक करना है तो आपको ऑनलाइन बुक कर सकते हैं आप, JKTDC का वेबसाइट है और ऑनलाइन बुकिंग होती है और उसमें जाकर के आप जिस डेट पर आपको बुक करनी है तो ऑनलाइन प्रोसेस तो जैसे जहाँ पे होता है उसी तरीके से। यहाँ पर डाइनिंग भी है तो आपको अगर कुछ खाना है, जैसे कि हम लोग अभी जस्ट आए हैं तो हमने ब्रेकफास्ट नहीं लिया था, हमने सोचा यहाँ पर ब्रेकफास्ट ले लेंगे तो यहीं पर ब्रेकफास्ट का हमने अभी ऑर्डर किया है तो वेजिटेबल पराठा, बाकी आप यहाँ पे बैठ के खा सकते हैं। ओके, तो मैंने यहीं पर नाश्ता जो है टूरिस्ट बंगलो में ऑर्डर कर दिया और वेजिटेबल पराठा आ गया है और कॉफ़ी है, फुल कप कॉफ़ी है। वेलकम टू द मिडो ऑफ फ्लावर्स, गुलमर्ग, इसीलिए कहते हैं इसे गुलमर्ग। और हम अभी है अपर वाहट पीक पर और यहाँ पर आप गुलमर्ग में आते हैं तो आपको गंडोला राइड ज़रूर करनी चाहिए जो कि दो फेजेस में है, फेज़ वन और फेज़ टू। कांग दोगरी में गंडोला राइड होती है और उसके अलग अलग फीस हैं, आपको केवल कार से आना होगा और उसकी सारी डिटेल मैं आपको दे दूंगी जैसे जैसे मैं राइड करूंगी नीचे से लेकर ऊपर तक। और इस खूबसूरती का आनंद स्नो कैप्ड माउंटेन का लेना है तो आपको विंटर में आना है और अगर ग्रीनरी का लेना है तो आपको समर में आना है। गुलमर्ग की निसर की शुरुआत यहीं से होती है और हमने हमारा जो JK टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का जो हट है उसे छोड़ दिया है, उसके ऊपर सिर्फ स्नो ही स्नो है, ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा और हम जहाँ पर चल रहे हैं ब्लैक स्नो है। वैसे आपको हेल्पर्स भी मिल जाएंगे अगर कुछ लोगों को अगर दिक्कत होती है चलने में या मतलब घूमने में, तो उनको गाइड भी मिल जाएंगे, आपके खुद के जो होटल होते हैं वहाँ से मिल जाते हैं और जो हेल्पर्स होते हैं हाथ पकड़ के चलते हैं जो, वो आप जो उनको दे दोगे वो लेंगे, लेकिन फिर भी अप्रॉक्सीमेट लग जाएगा आपको 300-500 डिपेंड कर। Well guys, ये है हमारी दो टिकटें और फेज वन 740 पर है, ये हमें फेज वन तक ले जाएगी और ये डे का पास है, हम कभी भी नीचे आ सकते हैं। फेज टू के लिए हमें जाना है, टिकट लेनी है फेज वन में जाने के बाद। मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, आपको जिस बिल्डिंग में गंडोला राइड के लिए जाना है तो दूसरा बिल्डिंग है, लेकिन आपको उस गेट के पहले टिकट काउंटर दिखेगा कुछ ऐसा। आ गए हैं गंडोला राइड के सेक्शन में, तो यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट्स है देखिए, और ऊपर मुझे लगता है कि एक लॉट चला गया है, अब हम दूसरे चले जाते हैं बिकॉज़ यहाँ पे अभी लाइन नहीं दिखाई देती। हम लोग बोर्डिंग स्टेशन पर आ चुके हैं, ऐसे यहाँ पर लाइन देख रहे हो आप, बहुत है, करीबन मुझे लगता है आधा घंटा तो लग जाएगा हमारा टर्न आते आते। वेल, अगर प्रोफेशनल स्कीयर्स हैं तो वो लोग 350 में भी फेज़ वन तक जा सकते हैं और फिर स्की करके नीचे आ सकते हैं। ओके, तो फेज़ वन के लिए आपको 9 बजे, सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक खुली रहती है हमारी केबल कार और सेकेंड फेज़ के लिए 10 बजे से लेकर 4 बजे तक खुली रहती है। अगर आप स्की के लिए जाना चाहते हैं तो भी आपको इसी केबल कार से जाना है, लेकिन उसका ट्रैक अलग होता है जिससे आप नीचे आते हैं। बट 9 to 5 का टाइमिंग जो है वो समर का है, विंटर का टाइमिंग इज डिफरेंट। बेसिकली 2.4 किलोमीटर है और 2.4 किलोमीटर हम हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं, वैसे 400 मीटर है ये वर्टिकल में। वाओ,
ये राइड तो आप लोगों को लेनी चाहिए, बहुत ही अमेजिंग राइड है। और चारों तरफ जहां नजर जाती है वहां पे जो है सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। छोटे छोटे हर्ट दिख रहे हैं लेकिन ये समर के लिए है। डॉन का लेंस वापस खराब हो गया, हम लोगों ने रिपेयर कराया था लेकिन खैर अभी उसका टेंशन मत लो, और देखा जाएगा। हम लोगों के लाइफ में ऐसी छोटी छोटी चीजें होनी चाहिए। तो ये हुई हमारी फर्स्ट फेज की राइड, और काल डोगरी का हमारा ये गंडोला राइड का पहला सफर यहाँ पर खत्म तो नहीं होता है बोलना चाहिए क्योंकि हम वापस भी लौटेंगे, लेकिन फर्स्ट फेज यहाँ तक है। उसके बाद हमें यहाँ से अलग से टिकट लेनी है, और यहाँ पे जिन लोगों को भी स्कीइंग करना है वो लोग कर सकते हैं यहीं आसपास, और अगर स्की कर करके नीचे जाना है तो वो भी कर सकते हैं, स्लेजिंग कर करके नीचे जाना है तो वो भी कर सकते हैं। वाह, ये जो ट्रॉली यहाँ पर दिख रही है जो केबल कार है, वो केबल कार सिर्फ स्कीयर्स के लिए है, जिन लोगों को स्कीइंग आती है वो। चाय समोसे, चाय समोसे कैसे दिए? चाय चाय 20 और समोसे, समोसे 30। क्योंकि 400 मीटर का वर्टिकल है तो आप आराम से आप खुद ट्रैक करके भी आ सकते हैं, जैसे ये लोग आ रहे हैं। हाय, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज अदिति। हाय अदिति एंड प्रणय। अदिति एंड प्रणय नीचे से आ रहे हैं ट्रैक करते हुए, बहुत एंजॉय करते हुए आ रहे हैं, दिख रहा है। ओके गाइस, यहाँ पर बहुत सारे फैमिलीज हैं, हनीमून कपल्स आते हैं, और आज वैलेंटाइन डे भी है। हैप्पी वैलेंटाइन डे एवरीवन एंड ईच वन ऑफ यू। आस्था, हाय। अनीता, हाय। विजिता, साहिल, शुभ सिंह, मोंटी एंड द शाय गर्ल, हाय। एंड निखिल। ओके, तो ये लोग गाजियाबाद से हैं। आई डोंट नो आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, लेकिन स्नोफॉल होने लगा है, हम इसी की वेट कर रहे थे, हमने मिस कर दिया था, 10 दिन डिलेड हो चुके थे, हमें लगा पता नहीं स्नोफॉल मिलेगा कि नहीं, फिर भी हमने फोकस देखा था कि आज के दिन और कल के दिन होने वाला है, एंड इट इज स्नोइंग। अब हम फेज वन से फेज टू पर जा रहे हैं जो कि 2.5 किलोमीटर की राइड है, बस 950 रुपए और लगेंगे पर स्कीयर्स के लिए। हाफ डे तक पहुंचाते हैं लेकिन इसमें नहीं पहुंचाते, दूसरी केबल कार में पहुंचाते हैं, ये चलती रहती है और हमको राइड जाना होता है। हाफ वे तक स्कीयर्स आएंगे और फिर यहाँ से स्की करते हुए नीचे जाएंगे, देखिए कैसे जा रहे हैं। कांच एक्चुअल में अच्छा नहीं है इसलिए प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम फेज टू पर पहुंच चुके हैं और हम हैं 3950 मीटर के एलिवेशन पर, तो यहाँ पर -5 डिग्री अभी है, और थोड़ी देर पहले समझ लीजिए 1 बजे -20 था बोल रहे हैं, हमें दिख रहा था कि ऊपर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वाह, चलो यहाँ से कुछ देखते हैं, बोलते हैं कि यहाँ से LOC भी दिखाई देता है, आई डोंट नो, पहले देखते हैं पूछते हैं। मुझे हो तो डॉन जैसी जिस पे बाप जमती हो। हैप्पी विल यू मैरी मी, हैप्पी वैलेंटाइन डे, हैप्पी वैलेंटाइन डे, रिमूव योर मास्क प्लीज। Oh, that was cool. Okay, here are the couples who proposed. And here is approval also.
इससे खूबसूरत जगह क्या हो सकती है प्रपोज करने की। हम गंडोला फेज टू पर है और यहाँ पर एट द एलिवेशन ऑफ 3950 पर ये लोग प्रपोज कर रहे हैं। वाओ, ऑसम, कांग्रेचुलेशंस, हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू एवरीवन ओवर हियर। जो लोग भी देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत समा है। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। इसमें चलने का मजा है, इसमें गिरने का मजा है। हल मैं आपको बताती हूँ दूसरे कैमरा से भी, लेकिन जस्ट आपको एक फील दे देती हूँ। यहाँ से आपको LOC लाइन दिखती है, आर्मी कैंप भी है, तो हम ड्रोन से दिखाएंगे लेकिन बहुत दूर तक नहीं लेकर के जाएंगे। थोड़ा लुक एंड फील देंगे आपको फेज टू का। आपको ये पूरा जो बॉर्डर दिखाई दे रहा है, आई डोंट नो इसमें दिखाई दे रहा है कि नहीं, वो पूरा जो लाइन मेरी उंगली जहाँ जहाँ तक जा रही है, ओके, और ये जो पहाड़ है उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो एक लेक है, फिरोजुन लेक, और वहाँ पर जो भी ग्लेशियर्स है जो LOC लाइन से जो आते हैं वो पिघलते हैं और समर में वो लेक बनता है। ड्रोन शॉट में भी दिखाई देगा। तो जो पहाड़ है ना, पहाड़ की बॉर्डर जो हमें दिखाई दे रही है वो नहीं, उसके पीछे का पहाड़ जो है ना वो LOC पड़ता है। वेल, अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं तो आप फेज वन तक भी आ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं और निसर्ग का आनंद ले सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं कहूँगी कि अगर आप फेज टू पे जाते हैं तो बहुत ही मेस्मराइजिंग फीलिंग आती है, और वो आप हमारे ब्लॉग के द्वारा अभी देख ही चुके होंगे। और बहुत ही खूबसूरत लगा हमें ऊपर जाके, ऐसे लगा कि हम अकेले हैं और बर्फ़ की चादर में हमारी लिपटी हुई है। अभी हम लोग फेज़ टू से फेज़ वन की ओर जा रहे हैं और उसके बाद थोड़ा सा वहाँ पे इन्जॉय करेंगे, फिर नीचे की ओर जाएंगे। हाँ, 3:30 बजे के आसपास आपको फेज़ टू से नीचे आ जाना होगा। ये लीजिए कॉफ़ी। सर्द में गरम गरम कॉफ़ी, इसका आनंद कुछ हटके है। इस एल्टीट्यूड पर समोसा मिल जाए, इससे बड़ी बात क्या होती है। वाह वाह, फ्लेवर तो अलग है, समोसे में आलू है ये। पहले आपका टो यहाँ पर प्रेस करना है, उसके बाद प्रेस करना है हील को और लो को। ये मैम कुछ मत कीजिए, ओके, यू होल्ड इट दिस टाइम। पहली बार स्कीइंग कर रही हूँ, गलतियाँ मैंने बहुत की। कोशिश मैंने की कुछ कुछ तो सही गिरे, लेकिन हर बार एंड में जाके दुडुम। तो लेकिन हाँ, आप यहाँ आते हैं तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। आशिक नाम है इसका, इसके साथ आप बिल्कुल राइड कर सकते हैं। ही इज़ रियली रियली अ गुड गाय टू स्की विथ। वेल दोस्तों, आप गुलमर्ग में अगर फेज वन पे एडवेंचर स्पोर्ट करना चाहते हैं तो 3 तरह के स्पोर्ट्स होते हैं। उसमें से स्कीइंग करना चाहते हैं तो बार्गेनिंग स्किल आपके पास होनी चाहिए। मुझे ऐसे लगता है कि 500 से भी नीचे तक आप जो है ये राइड कर सकते हैं ट्रेनर के साथ। उसके अलावा आप अगर बाइक राइड करना चाहते हैं तो स्नो बाइक राइड के करीबन 10 मिनट के लिए आपको छोटी राइड होती है, उसके हो जाएंगे 1000 रुपीज़, और थोड़ी 20 मिनट की राइड के लिए हो जाते हैं 2000 रुपीज़। लेकिन उसमें ये है कि आपको खुद भी चलाने का मौका मिल सकता है और बाकी आप स्लेज करते हुए नीचे तक आ सकते हैं। और उसके अगेन वही है, बार्गेनिंग स्किल पे
डिपेंड करता है, कोई बोल सकता है आपको 3,000 रुपये, 2,000 रुपये और 1,000 रुपये, हो सकता है आपके पास अच्छी बार्गेनिंग स्किल हो तो कम में भी आ जाए। और हाँ, आपको अगर कश्मीरी हैंडलूम के सोवेनियर लेकर के जाने हैं तो यहाँ से आप लेके जा सकते हैं, गुलमर्ग के वो जगह पर जहाँ से आप फेज वन के लिए गंडोला राइड लेते हैं। This is famously here, you know, number one is Kani here. Ye complete handloom work hai. Guys, हमारा स्नोबोर्डर यहाँ पर है और ये है उसकी वैलेंटाइन, और वैलेंटाइन डे पर वो गुलमर्ग में इसके साथ है। What's your name? My name is Vinay and I'm really alone. बर्फ और बर्फ के साथ कावा। क्या डालते हैं आप इसमें? कार्डमम, सिनेमम, इसमें गरम मसाले जाते हैं तभी तो इसका नाम कावा पड़ा है। अच्छा, लेकिन इसमें केसर भी होता है, हाँ जी, हाँ जी। बादाम भी होती है, वो अलग कावा होता है, हाँ? वो अलग कावा होता है ना? जी, ये कावा तो एक ही है लेकिन इसमें वैरायटी अलग होती है। वेल, हम लोग ये 40 रुपए का कावा पी रहे हैं, हमने प्रॉमिस किया था कि हम नीचे आके पियेंगे, तो प्रॉमिस तो प्रॉमिस होती है। थोड़ा सा मीठा ज्यादा है बट ठीक है, मतलब केसर का टेस्ट आ तो रहा है। हमारे होटल से अराउंड 1 किलोमीटर की दूरी पर हम आ चुके हैं। ओके, शाम हो चली है, सूरज भी डूब रहा है और भूख बहुत लगी हुई है क्योंकि खाना नसीब नहीं हुआ है। हम लोग अभी आए हैं मार्केट साइड में, है क्योंकि हम कश्मीर में हैं तो मैंने कश्मीरी पुलाव मंगाया है और दिव्या ने अपना नॉनवेज कोई डिश मंगाया है, समथिंग मटन कांति और 2 रोटी। चार्जेस इसके जो हैं 300 मेरे, 300 दिव्या के, और रोटी अलग से है ना। वेल, मैंने तो मंगाया था कश्मीरी पुलाव और मैंने कश्मीरी पुलाव खाया भी है, कैसा होता है, उसमें होते हैं ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स होते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं है ऐसा। और ये और वो होता है स्वीट साइड पर और ये है तीखे साइड पर। मैं बेसिकली खा रही हूँ तवाब बिरयानी। दिव्याब का जो कांति मटन है वो बेसिकली चाइनीज़ ग्रेवी में बना हुआ है, तो उसमें भी मतलब वो फ्लेवर नहीं आ रहा है। एक चीज़ है, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, यहाँ पे वेजिटेरियन प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स भी हैं तो वेजिटेरियन फूड मिलेंगे, और निसर्ग का आनंद लेते हुए खाना खाते जाइए। Few moments later. तो जिस स्केट बोर्डर का आपने वीडियो देखा उन्हीं के साथ हम जा रहे हैं अभी नाइट एडवेंचर करने के लिए, और फन होने वाला है नाइट स्केटिंग के साथ। लेट्स गो। देखो बहुत टाइट बन है। Well, good morning friends. This is Vishali once again. Gulmarg से आपको बहुत ही खूबसूरत आइस कोल्ड हाई बोल रही है, और अभी हम लोग एक्सप्लोर करने जा रहे हैं मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट इग्लू कैफे में। तो चलते हैं, एक हो जाए आपके साथ, 1 2। चमचमाते आइस पर जब धूप पड़ती है तो कितना गजब लग रहा है। हम लोग यहाँ अभी इग्लू कैफे में जो कि गुलमर्ग में है, और इस इग्लू कैफ़े में एंट्री फीस है 200 रुपीज़ पर हेड, और अंदर रेस्टोरेंट है, मतलब खाना खाओ लेकिन एंट्री फीस भर के खाना है। जब आप लोग गुलमर्ग में आते हैं तो मेन मार्केट से अंदर की तरफ आएंगे, और हमारा हट जहाँ पर है एग्जैक्टली उसके बगल में है, मतलब जेके टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 901 के एग्जैक्ट बगल में, बस 2 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस और ये इग्लू हट मिलेगा। वेल, बेसिकली ये है कि काइंड ऑफ अ म्यूजियम भी हो जाता है, कि आपको एक इग्लू का फील आ जाता है और इग्लू के अंदर क्या क्या है वो भी आपको जाने मिल जाता है। फीलिंग नहीं आ रही है गेम ऑफ थ्रोन्स वाली, पूरा कॉन्सेप्ट वैसा बनाया गया है। अब मैं ड्रैगन क्वीन की तरह मेरे थ्रोन और मेरे पूरे जो है कैसल को एक्सप्लोर कर रही हूँ। Oh,
इट इज लिटिल बिट फ्रीजिंग इनसाइड हियर, लेकिन लगता है हमें कश्मीरी कावा पीना चाहिए, तो कावा मंगाते हैं. तो आप कावा कर दीजिए और एक वेज चीज ग्रिल. आप लोगों के लिए यहाँ टाइमिंग है 11 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक. ये है शांगरी कावा और हम ले रहे हैं वर्ल्ड्स बिगेस्ट इग्लू में. और ये जो इग्लू कैफ़े है उसे बनाने में 1700 मजदूर लगे थे और 2 महीने लगे इस इग्लू को बनाने में. दिसंबर में ये इग्लू बन रहा था और भारी मात्रा में बर्फ़ गिर रही थी उस वक्त. भारी मेहनत लगी है और ₹12,00,000 लगे हैं इस इग्लू बनाने में. ग्रिल चीज सैंडविच हमारा आ गया है, इसके साथ फ्रेंच फ्राइज भी है, तो नौश फरमाते हैं. जब आइस स्मूथ हो जाता है लगातार आइस को जो है खरीदना पड़ता है शॉवल से, वरना स्लिपरी हो जाता है. वेल दोस्तों, गुलमर्ग घूम लिए, अब बात आती है बजट की. तो आपको श्रीनगर से लेकर के तनमर्ग के लिए आपको कैब करनी है जिसके 2000 रुपीज़ लगेंगे. चाहे आप कश्मीर में कहीं पे भी जाइए तो 2000 रुपीज़ आपको पर डे के लगते हैं. तनमर्ग से अगेन आपको अपनी कार छोड़नी है और यूनियन की कार लेनी है जिसके 2000 रुपीज़ लगेंगे. 14 किलोमीटर की राइड है. आप चाहे वहाँ स्टे करें या ना करें, आप उसी दिन लौट आएँ. और इसके अलावा आप अगर वहाँ स्टे करते हैं तो 3500 रुपीज़ से नीचे आपको कोई प्राइवेट होटल नहीं मिलेगी. लेकिन लकीली हमको JKTDC का बहुत ही बढ़िया स्टे मिल गया था, आपने तो देखा ही, 2300 रुपीज़ विद GST, है ना. और आपको फेज़ 1 फेज़ 2 करना है गंडोला राइड, तो फेज़ 1 के 700 रुपीज़ और फेज़ 2 के आपको लगेंगे 950 रुपीज़. मैं पर हेड का बता रही हूँ. और आप ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर करेंगे तो उसके करीबन आप पकड़ के चलिए 1000 से 1200 रुपये, फिर आप पे डिपेंड करता है आप क्या क्या खाना पीना चाहते हैं. और आप अगर वहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स नहीं किए तो क्या किए. मैंने स्कीइंग किया था लेकिन मुझे लगे 500 रुपीज़, उन्होंने कहा कि आप यूट्यूबर हैं इसलिए आपको इतना ही चार्ज करते हैं. लेकिन और मैंने उसका प्रमोट किया था, लेकिन अदरवाइज़ मैं बोल दूँ कि वहाँ पे हाई बार्गेन होता है और हैवीली बार्गेन आप कर सकते हैं. 400 रुपीज़ से लेकर के आप कितना भी बार्गेन कर सकते हैं. और फिर डिपेंड करता है कितने आर का आप राइड कर रहे हैं, चाहे आप स्लेजिंग कर रहे हैं, चाहे आप स्नोबोर्डिंग कर रहे हैं, चाहे आप स्नो बाइक ले रहे हैं या आप फिर स्कीइंग कर रहे हैं. तो आइडियली समझ के चलिए कि आपके अगर कार के पकड़ के चलते हैं, स्टे के पकड़ के चलते हैं, वहाँ का एडवेंचर स्पोर्ट पकड़ के चलते हैं, मैंने तो एक किया था, तो अराउंड 12,500 रुपये आपके मिनिमम लग जाएंगे गुलमर्ग में अगर आप स्टे के साथ कर दें तो. और एडवेंचर स्पोर्ट जितना भी करना है आपकी मर्जी है. और हाँ, हम लोगों ने तो इग्लू रेस्टोरेंट को भी एक्सप्लोर किया था. तो इग्लू रेस्टोरेंट की एंट्री फीस है 200 रुपीज़ और इसके अलावा रेस्टोरेंट में अगर आप कुछ खाना पीना चाहते हैं तो उसके अलग से रेट है. मुझे लगा कि ये बैकड्रॉप सही रहेगा इस ब्लॉग को क्लोज करने में. तो गुलमर्ग का ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की कर भी दीजिए. सो दिस वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल. और मैं अब चलती हूँ अपने दूसरे पड़ाव की ओर. अगला ब्लॉग देखिएगा, अब आएगा सोनमर्ग.